तीन ऐसे फाइटर जेट क्रैशेस जिनमें पायलट ने लास्ट टाइम पर अपने आप को एग्जिट किया और मरते मरते बचे। नंबर वन पे तो ऐसा प्लेन है जो बिलियंस ऑफ डॉलर का था और स्टेल्थ था, लेकिन फिर भी वो क्रैश हो गया। आखिर कैसे, सो ये जानते हैं तीन क्रैशेस के बारे में। नंबर थर्ड पे ये बात है साल 2009 की, जब रॉयल एयरफोर्स के शो के दौरान ये फाइटर जेट करतब दिखा रहा था कि तभी इसके इंजन में खराबी आ जाती है और ये जमीन पर क्रैश लैंडिंग करता है और आप देख सकते हो कि पायलट लास्ट टाइम पर अपने आप को इस प्लेन से आपको एग्जिट करता है। नंबर टू, ये भी एक एयर शो की घटना है, जब रशिया का MiG-29 एयर शो में अपने करतब दिखा रहा होता है कि तभी उस जहाज का लेफ्ट साइड वाला इंजन काम करना बंद कर देता है और MiG-29 आसमान से सीधा जमीन पर गिरता है और वो क्रैश हो जाता है। इसमें भी पायलट बच जाता है और वो लास्ट टाइम पर एग्जिट करता है। और नंबर वन पे अमेरिकी B-2 बॉम्बर, जब ये गुआम एयरबस से अपनी रूटीन की उड़ान भर रहा था कि तभी उससे एक दिन पहले वहाँ पे बारिश हुई थी और बारिश की कुछ बूंदे इसके सिस्टम में चली गई थी। स्टार्टिंग में तो इस प्लेन ने नॉर्मल उड़ान भरी, लेकिन कुछ दूर जाते ये डगमगाने लगा, लेकिन अंततः ये भी क्रैश हो गया और लास्ट टाइम पर पायलट ने अपने आप को एग्जिट किया और ये प्लेन पूरे $1 बिलियन का था।